हमारे किसान भाई बहन देश के अन्नदाता हैं। उनकी समृद्धि और सर्वांगीण उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है, जहां सोलर ऊर्जा से जोड़कर हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का अभियान शुरू हुआ। इससे डीजल पर निर्भरता घटी और सिंचाई के लिए दिन में किसानों को बिजली मिलना सुलभ हुआ। प्रधानमंत्री जी के ग्रीन और क्लीन डेवलपमेंट के विजन और नेट जीरो के संकल्प के तहत वर्ष 2030 तक 50% बिजली हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हासिल करने का लक्ष्य है। यह योजना इस संकल्प को भी मजबूती दे रही है। महाराष्ट्र में पीएम कुसुम को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के साथ मिलकर MSKVY 2.0 प्रकल्प 2023 में शुरू किया गया और देश में पहली बार महाराष्ट्र के किसानों के लिए स्वतंत्र बिजली कंपनी की स्थापना की गई। योजना के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल तथा अन्य डिजिटाइज डेटा इंटीग्रेशन के जरिए पारदर्शी तरीके से केवल 3 महीनों में 40,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। अब तक 9,200 मेगावाट के प्रकल्पों का काम शुरू हो चुका है, साथ ही 4,800 मेगावाट के नए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। इन प्रकल्पों के लिए भारत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। विजनरी नेतृत्व से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे आते हैं, यह योजना उसकी मिसाल है। इस योजना के कारण बिजली की दर करीब 60% कम हो जाएगी और 8.50 रुपए प्रति यूनिट के बदले केवल 3.08 रुपए प्रति यूनिट की दर पर उपलब्ध होगी। इससे बिजली खरीदने में 10,000 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। बिजली की सहज उपलब्धता के अलावा महाराष्ट्र के किसानों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर 25,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी भी होगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 50,000 नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व की इस सबसे बड़ी विकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 411 ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास निधि का वितरण तथा प्रथम 5 प्रकल्पों का लोकार्पण किया जा रहा है। बीज, सिंचाई, बीमा से लेकर बाजार तक और साथ ही सोलर तक किसानों के हितों के लिए सरकार ऐसी ही समर्पित प्रयास करती रहेगी।